तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 24। एंड एग्जाम्पल 24 जो आप देख रहे हो, ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को एक पर्टिकुलर तरीके से हैंडल किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। एग्जाम्पल 24 एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है और इसको एक स्पेशल तरीके से हैंडल किया जाता है ना। देखो एग्जाम्पल 24 क्या लिखा है, 2 cos² x + 3 sin x इज इक्वल टू 0। मैं लिखता हूँ 2 cos² x, ठीक है, 2 cos² x, cos² x + 3 sin x इज इक्वल टू 0। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसका सोल्यूशन निकालना है। एंड इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन में इसको क्यों बोल रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, और क्वेश्चन है हमें सॉल्व दिस इक्वेशन, क्वेश्चन में हमें सॉल्व द इक्वेशन। बेटे देखो, जब आपको कभी पूछेगा कि सॉल्व द इक्वेशन, खाली पूछा है सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखा है 2 cos² x + 3 sin x = 0, एंड इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एंड ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक का टाइप का इक्वेशन है, कैसे मुझे पता चलेगा, देखो बेटे। अब मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन मेरा है 2 cos² x + 3 sin x = 0, क्या मैं जो cos² x लिखा है, ये cos² x को थोड़ी देर के लिए 1 - sin² x लिख सकता हूँ? cos² x को थोड़ी देर के लिए 1 - sin x लिख सकता हूँ, 1 - sin² x लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है? यस नो प्रॉब्लम, सर। ओके। ये देखो, ये cos² x को मैं लिख गया 1 - sin² x, ठीक है, उसके जगह लिख रहा हूँ। अब बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डालो, तो 2 - 2 sin² x + 3 sin x = 0। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, तो 2 sin² x - 3 sin x - 2 = 0। लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, कारण क्या है, बस मुझे कोई कारण नहीं, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे क्या करना है हमेशा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है ना, ax² + bx + c = 0, उसमें कोशिश करो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को पॉजिटिव रखने के लिए, ताकि आपको आसान हो, मतलब क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अच्छा लगे लगे, है ना, इसीलिए। और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं, बस ठीक है। तो ऐसा मैंने कर दिया। अब देखो बेटी, ये कि प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। ये साइन एक्स का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप देख सकते हो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ओके सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ तक कि नहीं आ रहा है, कि साइन एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैसा अभी साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पर वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² + bx, सपोज ये हमें ऐसा देता, ये हमें ऐसा देता कि 2y² - 3y - 2 = 0। ये अगर ऐसा हमें देता 2y² - 3y - 2 = 0, तो y निकालते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह यहाँ पर बस साइन एक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -2 है ना, देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -b + √b² - 4ac / 2a, है ना। ओके, नाउ माइनस बी, बी इज व्हाट, -3, सो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस बी मतलब प्लस 3 हो जाएगा, जो 3 + √b² बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, -4ac, 4 जा 2 8, 8 जा 2 -16, तो +16 हो जाएगा,
दिस डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 2 4 सो फाइनली दिस इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 9 प्लस 16 25 25 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेट इक्वेशन है तो साइन का दो वैल्यू निकलना ही था साइन एक्स का दो वैल्यू निकलना ही था और क्या निकले साइन एक्स आया एक 3 प्लस 5 बाई 4 दूसरा आया साइन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 बाई 4 और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था याद करो मैंने बताया था ये ऑलरेडी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या होते हैं ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और जो फंक्शन होता है वो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा ऐसा नहीं कि एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट देगा ऐसा कभी नहीं होगा एक इनपुट दो वो एक आउटपुट देगा जैसे कि मैं आपको बताया था एग्जाम्पल के तरह एग्जाम्पल में बताया था जैसे कि सपोज ये जो है साइन सपोज साइन एक्स साइन जो फंक्शन है ना साइन जो फंक्शन है उसको अगर आप इनपुट पाई बाई थ्री दो 60 डिग्री दो तो ये आपको एक ही बस वैल्यू देगा रूट थ्री बाई टू ऐसा नहीं कि पाई बाई थ्री देते हो तो साइन रूट थ्री बाई टू के साथ साथ और कोई वैल्यू नहीं देगा ऐसा नहीं एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू देगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होता है एंगल है ना आप एक एंगल देते हो वो आपको एक ही आउटपुट देता है एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू देगा तो एक से एक हाँ यस सर आई सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई एम गेटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू एंड माइनस वन बाई टू वही वही आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने से हो जाता है मैं इसको ऐसे डायरेक्ट मतलब इंडियन फार्मूला लगा के किया है ना ये इंडियन फार्मूला है तो एक ही बात है जैसे भी आप कर सकते हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक्स का साइन तो एक ही निकलेगा दो दो तो नहीं निकलेगा ना ये दो दो तो नहीं निकलेगा साइन का एक्स का साइन दो दो तो नहीं निकलेगा तो इसका मतलब इसमें से एक गलत है इसमें से एक इम्पॉसिबल है चलो देखते हैं कौन सा इम्पॉसिबल है बेटा ये क्या है साइन एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड बाई 4 2 और यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स का तो दो दो वैल्यू नहीं निकलेगा तो इसमें कोई एक गलत है देखो बेटा साइन एक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया था हमेशा माइनस वन से माइनस वन से वन पहला वाला गलत माइनस वन से वन तक रहता है तो यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू टू है तो साइन एक्स का वैल्यू कभी टू नहीं हो सकता दिस इज इम्पॉसिबल साइन एक्स का वैल्यू कभी भी टू नहीं हो सकता एनी एंगल कोई भी एंगल साइन को दो उसका वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में रहना है टू नहीं होना है तो इसका मतलब साइन एक्स का फाइनली हमें एक वैल्यू मिला दैट इज माइनस वन बाई टू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू है ना तो ये जो आपको लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया था क्या इक्वेशन दिया था ओरिजिनली ओरिजिनली आपको इक्वेशन क्या दिया था कि टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपको पता चला फाइनली कि अगर मेरा ये साइन एक्स का वैल्यू वन बाई टू होता है अगर मेरा साइन एक्स का वैल्यू वन बाई टू होता है तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा ना क्योंकि उसी इक्वेशन को सॉल्व करके ही आपको मिला है साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू कहीं आसमान से तोड़ के नहीं लाए हो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आसमान से तोड़ के नहीं लाए हो उसी इक्वेशन को सॉल्व कर मतलब उसी इक्वेशन को ही करके आपको मिला है मतलब साइन एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन बाई टू होगा तो आपका वो जो इक्वेशन दिया है वो सेटिस्फाइड भी होगा क्योंकि उसी से लाए हो तो इसका मतलब हमें अभी हमें क्या करना है साइन एक्स को सॉल्व करना है साइन एक्स को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आई होप यू गॉट माई पॉइंट ठीक है ठीक तो वो बेटे अभी मुझे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इसको सॉल्व करना है एंड इसको सॉल्व करना है मतलब प्रिंसिपल नहीं जनरल सॉल्यूशन निकालना है क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है और मैंने आपको बताया था कि कल मैंने बताया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर दिया है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एन पाए प्लस माइनस वन टू दी पावर एन अल्फा एक्स इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन टू दी पावर एन अल्फा ये बताया था कल जनरल सोल्यूशन लेकिन आपको साइन अल्फा चाहिए यहाँ पर तो साइन एक्स है बस साइन अल्फा नहीं है साइन अल्फा की जगह वैल्यू है माइनस वन बाई टू तो इस माइनस वन बाई टू को हमें साइन अल्फा में कन्वर्ट करना है
तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो आप ये माइनस जो आगे लिखा है उस माइनस को वैसा का वैसा रखो। अभी कौन सा एक्यूट एंगल का साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री, है थर्टी ना? डिग्री बस बस, तो इसको लिख दो माइनस साइन पाई बाई सिक्स। कोई गलत है, माइनस 1/2 लिखा था, माइनस के जगह माइनस है, 1/2 के जगह साइन पाई बाई सिक्स है, करेक्ट, सही बात है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि साइन एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है, और साइन एक्स दो ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक है थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन एक्स दो ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक है थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था कि अल्फा आप क्या लोगे, अल्फा मोस्ट प्रेफरेबली स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन, सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, उसी को आप अल्फा की तरह ट्रीट करोगे। अब अगर आपको पूछा जाता, सपोज आपको पूछा जाता, ये रफ में करता हूँ, रफ वर्क, सपोज आपको पूछा जाता कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में जितने सारे सोल्यूशन वो निकालो। अभी देखो आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही साइन एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट को पाई प्लस बोलते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट को 2π- बोलते हो, तब आपको याद रखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको क्या मिलता, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, है ना, जो अक्यूट एंगल आपका है, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, दिख रहे हो, ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या आता, 2π- वही अक्यूट एंगल पाई बाई सिक्स। तो ये आपका दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते, एक आता होता 7π/6, दूसरा होता 11π/6। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल एंगल कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ऑब्वियसली, थर्ड फोर्थ में से थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल ही स्मॉलेस्ट होगा, है ना, तो 7π/6। तो हमें 7π/6 को प्रिंसिपल एंगल के तरह ट्रीट करना है। बेटे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर, यस सर, यस यस सर। ओके सर, पाई बाई सिक्स में नहीं होगा? ना 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 ना, ना बेटे, क्यों क्यों बताता हूँ क्या, देखो देखो क्यों बताता हूँ क्या। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, खाली साइन पाई बाई सिक्स लिखा हूँ क्या? मैंने लिखा हूँ माइनस साइन पाई बाई सिक्स, लेकिन मुझे जो फॉर्मूला पता है वो किसका पता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का पता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का पता है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का पता है। तो मुझे यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा का थोड़ी ना पता है, मुझे किसका पता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का पता है। अब समझ में आ रहा है? हेलो मुंगू, यस सर। सर अगर साइन माइनस फाइव बाई सिक्स लिख देते हैं तो चलेगा? वेरी गुड, चलेगा, दैट इज, वो भी करेक्ट होगा। मैं बताया ना मोस्ट प्रेफरेबली, हम मोस्ट प्रेफरेबली स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल एंगल को अल्फा लेते हैं। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, देर इज नो नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप इसको साइन माइनस पाई बाई सिक्स भी कर सकते हो, देर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। बस हम अल्फा को मोस्ट प्रेफरेबली करते हैं क्या, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल मतलब एंगल एंगल को अल्फा लेते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली, मोस्ट प्रेफरेबली मैं वर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो माइनस फाइव बाई सिक्स भी कर सकते हो, मैं उसमें भी करके आपको बोलूँगा, ठीक है। तो मुझे पता चला दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन 7π/6, ठीक है। कैसे मिला कि माइनस साइन पाई बाई सिक्स को मैंने कर दिया, दिस इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, एंड दिस इज इक्वल टू योर माइनस साइन, सॉरी साइन 7π/6, सही बात है ना, साइन 7π/6। ये 7π/6 मुझे कैसे मिला, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आ गया हमारा फॉर्म में आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6 फॉर्म में आ गया बेटे साइन एक्स। हाँ यस सर, वाई पाई प्लस, वाई पाई प्लस, अभी मैं बोला थर्ड क्वाड्रेंट में, अरे थर्ड क्वाड्रेंट में मिला ना हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, थर्ड क्वाड्रेंट को क्या क्या बोलते हैं, पाई प्लस बोलते हैं ना। ओके सर, नहीं सर मैं नहीं समझ में,
ओके देखो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू दे रखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू देख रहे हो। यस सर। आप इसका दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला, दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे निकालते हो, पाई प्लस वो जो एक्टिव टाइम पाई प्लस पाई बाय सिक्स है ना, बस साइन पाई प्लस पाई बाय सिक्स माइनस वन बाई टू ही होगा ना। ओके मैं काम करता हूँ एक मिनट। अरे सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो रे चुपचाप बैठे हो। मैं यस सर समझ में आया तो अभी सर देन वी साइन 7 पाई बाय 6 देन साइन 11 पाई बाय 6। हां यस दो आएगा साइन 7 पाई बाय 6 साइन 11 पाई बाय 6। मोस्ट प्रेफरेबली हम स्मॉलेस्ट को अल्फा लेते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है उसी को मैं अल्फा ले रहा हूं। यहां पर 7 पाई बाय 6 को अल्फा ले रहा हूं, चलेगा अभी? मैं चाहूं तो 11 पाई बाय ओके मैं स्मॉलेस्ट को ले रहा हूं ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सेवन पाई बाय सिक्स। अच्छा एक एक करके मुझे बताओ, आर्यन आपको समझ में आया? ए आर्यन हेलो। यस सर ओके। घर आई? यस सर। शाश्वत? यस सर। ले सकते हो, मैं बोला ना मोस्ट प्रेफरेबली, मोस्ट प्रेफरेबली आप चाहो तो बड़े को भी ले सकते हो, मोस्ट प्रेफरेबली ठीक है। कोई भी एंगल, इनफैक्ट कोई भी सेवन पाई बाय सिक्स। यस तो सेवन पाई बाय सिक्स सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों है? ऑब्वियसली भाई आपका दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो 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 भाई आपका इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका क्लियर नहीं हुआ है शायद। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू है, आपको इसका सपोज प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है बेटे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है ठीक है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं ना आपका इसका, सेवन पाई बाई सिक्स और दूसरा इलेवन पाई बाई सिक्स है ना। और इन दोनों में छोटा कौन है, सेवन पाई बाई सिक्स छोटा है, ये इलेवन पाई बाई सिक्स छोटा है। बिटुआ बिटुआ इसका दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है, एक है सेवन पाई बाई सिक्स दूसरा है इलेवन पाई बाई सिक्स। अभी दोनों में से छोटू कौन है, छोटू कौन है, सेवन पाई बाई सिक्स छोटू है ना। हाँ और मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट से छोटू होगा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट छोटू होगा है ना, ये छोटू होगा ठीक है, इसलिए मुझे सेवन पाई बाय सिक्स छोटू है। तो इसी को मैं मोस्ट प्रेफरेबली स्मॉलेस्ट ले, मतलब सॉरी मोस्ट प्रेफरेबली अल्फा इसी को ले रहा हूँ। गॉट माय पॉइंट नाउ? यस सर। लेकिन सर वो जो माइनस पाई बाय सिक्स है वो कौन सा सॉल्यूशन है? दैट इज नॉट ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटे। देखो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ प्योर हिंदी में, हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब जो जो सॉल्यूशन जीरो या फिर जीरो से बड़े एंड टू पाई से छोटे, इस रेंज में जो जो सॉल्यूशन आते हैं जीरो रेडियन से बड़े या फिर जीरो रेडियन खुद भी अगर जीरो रेडियन सॉल्यूशन आ रहे तो चलेगा, जीरो से बड़ा टू पाई से छोटा, ऐसे जितने सारे सॉल्यूशन आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी जीरो रेडियन से छोटे वाले जो सॉल्यूशन उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, टू पाई से बड़े वाले सॉल्यूशन या फिर टू पाई खुद उनको भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सिर्फ जीरो से टू पाई के बीच में जितने सारे सॉल्यूशन, डिग्री में बोले तो जीरो डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, जीरो डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपका जितने सॉल्यूशन आएंगे उन्हीं को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी माइनस पाई बाई सिक्स तो जीरो रेडियन से छोटा होगा ना, नेगेटिव एंगल, मेरा बात समझ रहे हो ना? यस सर। ओके तो सिर्फ और सिर्फ जीरो रेडियन से लेके टू पाई रेडियन के बीचों बीच जितने एंगल रहेंगे
जो जितने सॉल्यूशन रहेंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे 0 से 2 पाई के बीच में तो इसका दो ही सॉल्यूशन मिल रहा है, एक है 7π/6 यस दूसरा सर 11π/6, तो यही दो ही उस होंगे उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, नाउ यस सर समझ में आया? यस सर यस सर ओके। आप चाहो तो इसको ऐसे भी हमेशा लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। पता चला दिस इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, तो माइनस आगे है 1/2 साइन π/6। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आप देख सकते हो बेटे साइन एक्स आपका नेगेटिव दो दो क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को मैं बोलता हूँ पाए प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं बोलता हूँ 2π-। सो दिस माइनस साइन π/6 इज ऑल्सो इक्वल टू साइन पाए प्लस π/6। भाई आप चेक करो, एसटीसी रूल डाल के देखो, साइन पाए प्लस π/6 क्या आपका माइनस साइन π/6 आता है कि नहीं आता है? बेटे देखो, पाई मतलब एक्स एक्सिस, मतलब साइन साइन होके रहेगा। अभी लिखा है पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये बंदा साइन जो है नेगेटिव होता है, तो आगे माइनस लगाया, तो देखे साइन पाई प्लस π/6 माइनस साइन π/6 के साथ बराबर है कि नहीं? यस सर, बस इसीलिए मैं ये लिखा। अब समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यस सर ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन, देखो यहाँ पर 2π-, लिखा तो 2π-π/6। अब आप एसटीसी रूल डाल के चेक कर लो कि साइन 2π-π/6 क्या होता है। बेटे 2π बोले तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोले तो नो चेंज, तो साइन π/6 हुआ। अब 2π- बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो आगे लगाया माइनस, तो हुआ ना माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन 2π-π/6। यस सर ठीक। अब ये जो दो एंगल आ रहे हैं, एक है पाई प्लस π/6, ये ऑब्वियसली आपका 0 से 2π के बीच में रहेगा ना, पाई में एक एक्यूट एंगल π/6 ऐड करो भाई, 180 डिग्री में एक एक्यूट एंगल ऐड करो, 180 डिग्री में एक एक्यूट एंगल आप ऐड करते हो, तो एंगल ऑब्वियसली 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके और यहाँ पर 2π से एक एक्यूट एंगल माइनस करो, 360 डिग्री से एक्यूट एंगल माइनस करो, वो भी आपका 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम पता करें कि साइन एक्स इज इक्वल टू जो -1/2 हमारा आया, दैट इज इक्वल टू साइन 7π/6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 11π/6। तो ये जो दो एंगल है, ये जो दो एंगल है, इन दोनों का साइन -1/2 होता है, मतलब ये दो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ ये दो 0 से 2π के बीच में भी रहते हैं, इसीलिए मैं यही दोनों को बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूँगा। ऐसे तो करके साइन इज इक्वल टू -1/2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर हुज साइन इज इक्वल टू -1/2, लेकिन मुझे बस 0 से 2π के बीच में एंगल को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट सो फार, ठीक है? यस 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 सर ओके। हाँ तो माइनस माइनस π/6 आपका 0 से छोटा हो जाता है ना, 0 से छोटा, इसीलिए दैट इज नॉट योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप अल्फा के तौर पे उसे भी यूज कर सकते हो, मैं इसीलिए मैं मोस्ट यू वर्ड क्या यूज किया, मोस्ट प्रेफरेबली, क्या वर्ड यूज किया, मोस्ट प्रेफरेबली है ना, मैं वर्ड यूज किया मोस्ट प्रेफरेबली।
ओके करेक्ट, तो आपका फाइनल यस, तो आपका करेक्ट, तो फाइनली आपका क्या आया, साइन एक्स इज इक्वल टू जो माइनस वन बाई टू था वो कन्वर्ट होकर क्या हमारा आ गया, साइन सेवन पाई बाई सिक्स, है ना। तो मुझे फाइनली मिला साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स, साइन सेवन पाई बाई सिक्स। तो अब ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर में आ रहा है, तो एक्स क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर अल्फा, माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, है ना। तो दिस इज साइन दिस, नाउ एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, क्या है बेटे यहाँ पर सेवन पाई बाई सिक्स। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ माय ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन वेयर एन इज इंटीजर, वेयर एन इज सॉरी हाँ यस वेयर एन इज इंटीजर, ओके एन बिलोंग्स टू जेड, एन इज इंटीजर, गॉट माय पॉइंट, ओके। तो मैं यहाँ पर यस, तो मैं यहाँ पर एन के जगह, मैं यहाँ पर एन के जगह अगर एक एक करके इंटीजर डालते जाऊँ, देर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, एन के जगह में अगर एक एक इंटीजर डालते जाऊँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डट 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 डट, पीछे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन डट 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 डट, अगर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर एक एक करके मैं डालते जाऊंगा एन के जगह पर, तो मुझे एक्स का एक 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 करके वैल्यू मिलते जाएंगे, और उन सब के साइन क्या होंगे, माइनस वन बाई टू होंगे, वो सब एक्स का साइन क्या होगा, माइनस वन बाई टू होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन साइन सेवन पाई बाई सिक्स। देखो बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, अगर एक्स एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स, हाँ ऐसा एंगल हुआ, तो उसका साइन क्या होगा, माइनस वन बाई टू होगा, उसका साइन क्या होगा, माइनस वन बाई टू होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है ना भाई, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू का सोल्यूशन है ना, ओके तो साइन एक्स माइनस वन बाई टू होगा। और अगर आपका साइन एक्स माइनस वन बाई टू होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या है, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसी इक्वेशन का ही वो सॉल्यूशन है बेटे, समझ में आ रहा है ना, ये जो सॉल्यूशन हम निकाले इसी इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब मंगू जैसे बोला वैसे भी आप कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो, मैं बोला मोस्ट प्रेफरेबली, मैं क्या बोला, मोस्ट प्रेफरेबली, सपोज आपको दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस माइनस साइन पाई बाई सिक्स, और बेटे माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब आप, आपको क्या मिल गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स। अब बेटे आपका आ गया इस फॉर्म में, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में आ गया, अल्फा क्या है, माइनस पाई बाई सिक्स है, तो ऑब्वियसली आपका एक्स क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, अल्फा क्या है आपका बेटे, माइनस पाई बाई सिक्स। बेटे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, हेलो यस सर, हाँ तो अगर यस यस, तो अगर इसको ऐसे करते हो, थोड़ा सा और भी इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कि मैं इसको चाहो लिख सकता हूँ एन पाई प्लस, बेटे मैं माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन करके पाई बाई सिक्स भी कर सकता हूँ, क्यों इसमें जो माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, ये माइनस मतलब माइनस वन, ये माइनस वन टू द पावर एन के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई करके मैं उसको माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन बना सकता हूँ, तो और सिंपल दिखेगा, दिख रहा है, हेलो हाँ यस सर यस सर, दिखा यस सर यस सर, हाँ तो ये भी आपका करेक्ट सोल्यूशन है, अगर आप ऐसे निकाले हो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सोल्यूशन। हाँ अब मैं बताने जा रहा हूँ बेटे, देखो
अगर आप अल्फा के जगह 7π/6 लिखते हो तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह दिखता है। अगर अल्फा के जगह -π/6 लिखते हो तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह दिखता है। दोनों सॉल्यूशन थोड़ा अलग अलग किस्म के दिख रहे हैं ना, थोड़ा अलग अलग दिख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है इनमें से एक सही है दूसरा गलत है? नहीं, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अभी बताता हूँ क्यों करेक्ट है बोथ। देखो बेटे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अल्फा की जगह 7π/6 लिखते हो तो आपका सोल्यूशन ऐसा दिखता है, और अगर अल्फा की जगह -π/6 लिखे तो आपका सोल्यूशन ऐसा दिखेगा, और अगर आप अल्फा की जगह 11π/6 लिखे कुछ और दिखेगा, मतलब 7π/6 की जगह 11π/6, ऐसे तो करके आप बहुत सारे लिख सकते हो। अरे भाई एक को चूज करो हमेशा, या तो मोस्ट प्रिफरेबली स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखो, या आप यहाँ पर जैसे हमने किए ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है चलेगा। तो ये जो आपको अलग अलग दिख रहा है ये सेम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटे अब मेरा मेरा जो सोल्यूशन आया था, मतलब 7π/6 वाला सोल्यूशन, अभी मैं यहाँ पर एन का जगह एक एक करके इंटीजर डालता जाऊँगा, मेरे सारे सोल्यूशन आते जाएंगे। आप एन का जगह 0 डालो एक सोल्यूशन मिलेगा, एन का जगह 2 1 डालो एक इसका और एक वैल्यू मिलेगा, 3 डालो और एक वैल्यू मिलेगा, मिलते जाएगा। अभी मंगलू जी का जो सोल्यूशन आया है इसमें भी अगर आप एन के जगह एक एक करके इंटीजर डालते जाओगे आपको एक एक करके सोल्यूशन मिलते जाएगा, और देखोगे फाइनली आपका सारे सोल्यूशन और मंगलू जी के सारे सोल्यूशन मैच करेंगे, लेकिन किसी दूसरे दूसरे एन के वैल्यू के लिए। भाई इंटीजर तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर है, हो सकता है आपका एन इक्वल टू 1 के लिए सोल्यूशन एक्स का जो वैल्यू आया, मंगलू जी का एन इक्वल टू 100 के लिए वो सोल्यूशन आ रहा होगा, डजेंट मैटर, फाइनली आपको सोल्यूशन तो मिल रहा है। देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। अभी आपको एन इज इक्वल टू 1 के लिए, मान लो आपको एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपको एक्स का एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू मिला, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिला है ना, गामा मिला, और मंगलू जी को एन इज इक्वल टू 100 पे वही वैल्यू मिला, एक्स इज इक्वल टू गामा मिला। तो की फर्क पड़ता है आपको कौन से एन के लिए मिला, उनको कौन से एन के लिए मिला। एन 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 तो सारे इंटीजर है, जो भी इंटीजर डालते जब आपका सारे एंगल एंगल मिलते जाएंगे, मंगलू जी अपने तरफ से इंटीजर डालते जाएंगे उनके सारे एंगल मिलते जाएंगे। अब फाइनली आप अपने एंगल और मंगलू जी के एंगल को मैच करोगे तो आपके सारे एंगल मंगलू जी के सारे एंगल सेम आएंगे, बस आपके किसी और। हाँ यस हाँ सर दैट -1 raised to n + 1 5 6 that I didn't understand how it. ये जो -1 to the power n+1 ये कौन यस सा कौन सा सर कौन? ओके एक मिनट एक मिनट, दिस लास्ट लास्ट पीट, ओके ठीक। देखो हाँ देखो, अरे क्या हो गया ये, हाँ साइन 5/6 हाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 to the power n -π/6, ये सही लिखा कि गलत लिखा? ये सही लिखा, याद तो समझ में आया? यस सर करेक्ट। बस बस क्या ये यस नहीं है सर एन पाई प्लस -1 to the power n (−1)(π/6) क्या ये सही नहीं है? यस सर सही है। ओके ओके देखो एक ही क्वेश्चन में आज पूरा 8840 हो गया, एक क्वेश्चन में 40 मिनट चला गया। तो दिस इज -1 to the power n+1 है ना, देखो -1 to the power n (−1) कितना हो जाएगा, -1 to the power n+1 (π/6) यस सर असमय। ओके फाइनली ओके ओके गाइस प्लीज सर सर हाँ यस सर ये जो -1 है उसे सर बीच के प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलेगा, वो भी चलेगा। तो एन पाई माइनस हाँ यस यस लेकिन लेकिन का है सुंदर कौन सा दिखता है, सुंदर इनमें से कौन सा दिखेगा? देखो आप जरा देखो इनमें से कौन सुंदर दिखता है आपको, एन पाई माइनस -1 to the power n (π/6) ये ज़्यादा सुंदर दिखता है, मतलब एक अरे के माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको -1 to the power n+1 करके बीच में प्लस लिखो ना, आपको ज़्यादा ज़्यादा आसान होगा ना डील करने के लिए सोल्यूशन निकालते वक्त। हाँ
देखो इक्वेशन हमेशा सुंदर दिखना चाहिए मैथ फिजिक्स में, हमेशा याद रखो। ओके भाई आगे चलें। यस सर। अरे एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पूरा 40 मिनट खा गए तो साबा ठीक है चलेगा, एक ही बस इक्वेशन में इतना टाइम खा ले लिए। ओके मैं सोच रहा था आज पूरा कंप्लीट कर दूं उसको। ओके ले जाओ स्क्रीनशॉट ले जाओ, डन। अरे ले गए? यस सर, हाँ यस यस सर, डन, अभी डन। ओके ओके ठीक चलो, तो अभी हम उसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह का इक्वेशन है जो कि एक्सरसाइज का है, ठीक है। और आप प्लीज़ एक ही सा डाउट पूछो, लास्ट को रख के पूछते हो क्यों? मुझे आप खुद देखो, आपका ही टाइम जा रहा है, मेरा नहीं। मैं तो बैठा हूँ घर में, आप मैं क्वेश्चन समझा के दूसरा चीज़ समझा रहा हूँ तभी आप पुराने चीज़ का डाउट पूछ रहे हो। उस वक्त पूछ लो, डाउट तो पूछना ही है, उसी वक्त पूछ लो तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाद में पूछते हो तो मतलब फिर पीछे जाना पड़ता है, फिर से पूरा पर समझाना पड़ता है, तो पूरा मतलब ज़्यादा टाइम जाता है। उसी टाइम में उसी मोमेंट में ही पूछ लो। ओके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। यस कल टुमारो वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके टुमारो वी विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स टुमारो। ओके ऑल ऑफ यू रेडी? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ ओके। तो यस यस, सर, और हाँ, और टुमारो विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एंड टुमारो इन द इवनिंग, टुडे देर इज नो क्लास इन द इवनिंग, ऑल्टरनेट डे में हम क्लास रखेंगे। तो टुमारो इन द इवनिंग देर विल बी क्लास आप 9 PM में, वही हमारे यूजुअल टाइम है, 9 PM से शुरू होगा। और वहाँ पर हम टोटल रिविजन करेंगे, ठीक है, रिविजन। उससे मैं जो चूज़ किया हुआ क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको कम्प्लीटली रिविजन हो सके ट्रिगोनोमेट्री का। तो मेरा चूज किया गया क्वेश्चन को मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा, लगे हाथ तो रिवीजन भी लगे रहेगा और शुरुआत नए नए चैप्टर का शुरुआत होगा। बेटे समझ रहे हो मेरा बात? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी प्लीज, ओके यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी, मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ आपको वैसा वैसा चलता जाना है। ओके सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है, हमें दे रखा है सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टैन 2x, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अभी बेटे देख लो, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक। अब मैं अभी आपको बोल देता हूँ कब आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इक्वेशन, कब पता चलेगा। देखो मैं एक नोट लिखवाता हूँ, जल्दी जल्दी लिखते हैं। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा टैन थीटा और टैन सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा और एक मिनट, हाँ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे जब फॉर्म में आपका सब आता है इक्वेशन में, ये सब होता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा ये क्वेश्चन करते वक्त आपको पता चल जाएगा। ओके ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटे बताओ? सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। मैं लिखना शुरू करता हूँ, जिस स्टेप में डाउट होगा उसी स्टेप में अनम्यूट करके पूछो प्लीज। सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, वही स्टेप में पूछो। आप जब कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बैठे होगे, है ना, सपोज आपका बॉस एक मीटिंग बुलाया होगा, आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हो, है ना, बोर्ड मीटिंग में मतलब बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठे हो, सॉरी आप इतना भी आगे नहीं चले जाओगे शुरुआत में, मतलब कंपनी के जो मीटिंग जो हुआ है, मतलब जो भी कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बैठे हो और बॉस कुछ डिस्कस कर रहा है। बॉस सपोज 100 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है, 100 पॉइंट्स एक के बाद एक कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट के बारे में। तो बॉय बॉस 15 नंबर पॉइंट पे पहुंचा है
आप पूछ रहे हो सर 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 ये क्वेश्चन, ये जो फोर्थ पॉइंट में आप जो बोले थे उसको जरा फिर से एलैबोरेट करिए, मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस यस सर हाँ, यस सर बॉस समझा रहा है 50th नंबर है पॉइंट, आप बॉस को पूछ रहे हो सर फोर्थ नंबर पॉइंट वाला फिर से जरा एलैबोरेट कीजिए। बॉस बोलेगा बेटे आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे थे, सोए थे? मैं 50th पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो बैठ के? फोर्थ पॉइंट पे नहीं पूछ सकते थे? आप तुरंत जरा दरवाज़ा खोल के आप खुद निकल जाइए, आप खुद निकल जाइए मीटिंग से, निकल जाइए आप, क्योंकि आपका मतलब आप एफिशिएंट नहीं है, आप लेट में पूछते हैं सवाल। इसीलिए हमेशा याद रखो जिस वक्त जो जो काम वहीं पर कर दो, ठीक है? आगे चलते हैं। ओके, तो मुझे दे रखा है सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये भी क्वाड्रेटिक टाइप का है। बेटे मैं क्या सेक्स स्क्वायर 2x का जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बेटे, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की नहीं, बताओ इजेंट सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताओ। यस सर यस सर सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा के जगह आप 2x लिखो, अगर अगर थीटा के जगह 2x लिखो तो सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर 2x होगा कि नहीं भाई? थीटा के जगह अगर 2x में लिखो, असल में आ रहे? ओके ओके, यस सर तो मैं यही लिखा हूँ यहाँ पर। डाउट पूछो, जिसको डाउट है वही इसी स्टेप में पूछो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर 2x, वन प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू वन माइनस टेन 2x, वन माइनस टेन 2x। अभी लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ये प्लस वन कैंसिल होके क्या रहेगा बेटे? टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टेन 2x। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, है ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू नोट, पॉइंट टू नोट। बेटे अभी आपका दिल क्या कह रहा है? देखो दिल आपका क्या कह रहा है, दिल आपका बोल रहा है कि भाई कितना बड़ा आसान हो गया, टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस टेन 2x काट देते हैं, चलो एक टेन 2x इस तरफ से, एक टेन 2x इस तरफ से काट के लिख देते हैं, चलो टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन, दिल यही बोल रहा होगा। इस तरफ टेन स्क्वायर 2x है, इस तरफ टेन 2x है, एक टेन 2x इस तरफ से काट के टेन 2x इज इक्वल टू माइनस वन है, यही आपका दिल बोल रहा होगा। नहीं, दिल गलत बोल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ दिल गलत बोल रहा है? देखो बेटे दिल का नहीं सुनना है, हमेशा दिल का नहीं सुनना है। पॉइंट टू नोट, है ना, नेवर नेवर कैंसल, नेवर कैंसल दी सेम टर्म्स, दी सेम टर्म्स ऑन बोथ साइड्स बिकॉज यू मे लूज सम सॉल्यूशंस, यू मे लूज सम सॉल्यूशंस, आप कुछ सॉल्यूशन लूज कर सकते हो। मैं अभी बताऊंगा क्या है वो सॉल्यूशन, क्या लूज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी लेफ्ट राइट में सेम टर्म को कैंसल नहीं करना है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त। क्यों नहीं करना है? अगर कर देते हो कुछ सॉल्यूशन आप मिस भी कर सकते हो, कुछ सॉल्यूशन आप मिस भी कर सकते हो, और अभी देखेंगे कौन से सॉल्यूशन है मिस कर देते अगर कैंसिल कर देते। दूसरा बात है सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर और किस कारण के वजह से आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, दिल को और कैसे समझा सकते हो? देखो बेटे सपोज आपको कहीं पर लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, तो आप जो ए कैंसिल कर देते हो कैसे करते हो? एक्चुअली आप दोनों साइड में ए डिवाइड करते हो, दोनों साइड में ए डिवाइड करते हो तो दोनों साइड में ए कैंसिल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट राइट में ए को कैंसिल करते हो। लेकिन भाई ए को तभी दोनों साइड में आप डिवाइड कर सकते हो अगर एक नॉन जीरो नंबर है तो। देखो बेटे जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू वाई, आप जीरो जीरो को काट के एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते, ये एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते आप, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई, तो आप जीरो जीरो को काट के एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते।
बोथ साइड में हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, जीरो नंबर जीरो को बोथ साइड में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज अनडिफाइंड, है ना। तो आप जब दोनों साइड से टैन टू एक्स को कैंसिल किए, कैसे कैंसिल कर रहे हो, दोनों साइड में टैन टू एक्स डिवाइड करके कैंसिल कर रहे हो, लेकिन आपका आप कैसे ऐसे टैन टू एक्स को डिवाइड कर दे रहे हो, आपको क्या पता अगर टैन टू एक्स का वैल्यू किसी एक्स के वजह से जीरो हो रहा है तो। अगर टैन टू एक्स का वैल्यू किसी एक्स के वजह से जीरो हो रहा है और आप डिवाइड कर दे रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको कैंसिल नहीं करना है टैन टू एक्स दोनों तरफ से। तो याद रखो, नेवर कैंसल सेम टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। अब दिखाता हूँ कैंसिल ना करने से क्या फ़ायदा होगा आपको और करने से क्या नुकसान होता है। चलो अभी माइनस टेन टू एक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो टेन स्क्वायर टू एक्स प्लस टेन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। हेलो, राइट, ओके, नाउ इफ आई टेक टेन टू एक्स कॉमन, दिस इज टेन टू एक्स होल इन टू टेन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट गाइज, ओके, यस सर। तो दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब या तो टेन टू एक्स जीरो हो रहा होगा और कौन जीरो हो रहा होगा, टेन टू एक्स प्लस वन जीरो, ये जीरो हो रहा होगा ना, इन्हें दोनों में से कोई कोई जीरो हो रहा होगा, ओके। अभी अगर आगे आते हैं, अभी अगर इन दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना बेटे। अगर टैन टू एक्स आपका जीरो है, देखो मैंने आपको बताया था व्हेन टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एन पाई, कल देख लो बेटे, एन पाई, नोट चेक कर लो। टैन थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है, थीटा जब एन पाई होता है। तो टैन टू एक्स कब जीरो होगा, जब टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा। किसी एंगल का टैन तभी जीरो होगा अगर वो एंगल एन इंटू पाई होगा, एन वेयर एन इज एन एनी इंटीजर। बेटा मेरा बात समझ में आ रहा है, वो एंगल को एन पाई होना है, समझ में आया। यस सर, यस सर, यस सर, मेक असले सर, यस सर, असले सर, यस सर, समझ रही हो, यस सर, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आया बेटे, 2 डिवाइड करने से n पाई बाई 2, दिस इज वन, ये एक जनरल सोल्यूशन आया, ये एक जनरल सोल्यूशन आया, मतलब यहाँ पर आप n के वैल्यू एक एक करके इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक एंगल मिलते जाएंगे ना, ये एक जनरल सोल्यूशन आया। दूसरा जनरल सोल्यूशन इसी से आएगा, टैन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बेटे अगर टैन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका मतलब टैन टू एक्स कितना होगा, माइनस वन। अभी इसको मैं ध्यान दो, जो आपका आया टैन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है ना, एक मिनट में इसको ऊपर लेता हूँ, जो आपका आ रहा है टैन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बेटे, एन पाई प्लस अल्फा, है ना, याद है ना, एन पाई प्लस अल्फा कल बताया था सॉल्यूशन। हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बस लेफ्ट साइड में आपका टैन थीटा फॉर्म में है, लेफ्ट साइड में टैन थीटा फॉर्म में है, बस राइट साइड को आपको टैन अल्फा लाना है, क्या करना है उसको, टैन अल्फा करना है, वो कॉन्स्टेंट दे रखा है माइनस वन, उसको आप टैन अल्फा में कन्वर्ट करना है। और अल्फा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल एंगल आप भी कर सकते हो, नहीं तो मंगलू जी से, मंगलू जी के तरह आप कर सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो टैन टू एक्स इज इक्वल टू बेटे, व्हाट इज माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस टैन पाई बाई फोर, माइनस टैन पाई बाई फोर। अब मंगलू जी, यस, मंगलू जी के तरह आप इसको टैन टू एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ माइनस पाई बाई फोर कर सकते हो, बिकॉज टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। बेटे याद है, बेटे याद है, यस सर, ओके, यस सर, तभी इस, ये इस फॉर्म में आ गया, देखो इस फॉर्म में आ गया, अभी टैन थीटा, ये थीटा है और ये अल्फा है, दिख रहा है, इस फॉर्म में आ गया, ये थीटा है, ये अल्फा है, ओके। तो आपका थीटा क्या होगा, थीटा मतलब 2x, 2x क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पर माइनस पाई बाई फोर है, तो माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई फोर मतलब एन पाई माइनस पाई बाई फोर। अभी हमें x चाहिए, तो दोनों तरफ 2 डिवाइड करो, तो एन पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट,
पर एन इज एन इंटीजर। तो दो दो जनरल सोल्यूशन आए, क्या है बेटे, दो दो जनरल सोल्यूशन आए। मतलब यहाँ पर अगर आप पहला वाले में अगर आप एन का जगह इंटीजर डालते जाओगे, यहाँ पर बहुत इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंगल आएंगे, और यहाँ पर भी एन के जगह वैल्यू डालते जाओगे, यहाँ पर ही बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अलग अलग एंगल आएंगे, है ना। तो ये दोनों आपका सोल्यूशन है, लेकिन लेकिन अगर आप वहाँ पर उसको कैंसिल कर देते तो आपको क्या मिलता। सपोज आप वहाँ पर कैंसिल कर देते कि टेन स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन टू एक्स जो लिखा था, अगर आप कैंसिल करके लिख देते कि टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो मतलब सिर्फ ये सेकंड वाला सोल्यूशन आपको मिलता, मतलब टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो आप अभी निकाले उसी का निकलता। लेकिन टेन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो का जितने सारे एंगल मिला वो नहीं मिलता ना आपको, उसका जो सोल्यूशन मिला वो नहीं मिलता ना आपको, मिस कर जाते ना वो एंगल्स। बेटे समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ओके। तो ये मिस कर जाते, ये देखो टेन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो इसका जो सारे सोल्यूशन आया ये मिस कर जाते आप। ओके ओके। हाँ तो अल्टरनेट क्या है, जो टेंस को टेन टू एक्स को मंगलू जी जैसे बोले हम वैसे भी ले सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल भी ले सकते हैं। टेन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर। अभी बेटे टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन का अगर हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाले, है ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाले, तो बेटे देखो टेन आपका दो ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक है सेकेंड दूसरा है थर्ड, सॉरी फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, पाई माइनस, क्या बोलते हैं, पाई माइनस। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टैन पाई माइनस पाई बाई फोर। सही है कि नहीं भाई, देख बताओ टैन पाई माइनस पाई फोर इज इक्वल टू माइनस टैन पाई फोर है कि नहीं। यस यस सर नो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सो दिस इज इक्वल टू टैन 3 पाई बाई फोर, यस और नो। यस, तो आपको आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा फॉर्म है, दिस इज थीटा दिस इज अल्फा, दिस इज थीटा दिस इज अल्फा। तो देखो टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आप मेरे तरह से निकाल सकते हो या फिर मंगलू जी से तरह निकाल सकते हो, मतलब आप स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन को अल्फा ले सकते हो, या फिर मतलब जो हमारा जो इवन 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 ऑड प्रॉपर्टी लगा के जो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा वैसा करके भी उसको भी अल्फा ले सकते हो, जैसे अभी हम किए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। ओके नाउ टेक द स्क्रीन शॉट। और हाँ यस सर, आप जो लिखे पॉइंट टू भी नोटेड वो वाला भी लिखेंगे सर? ऑब्वियसली अभी स्क्रीन शॉट लेके उसके साइड में लिखोगे बाद में, अभी स्क्रीन शॉट लिख लेते जाओ। मैं सोचा था सारे कंप्लीट कर दूँ, नहीं हो पाया, चलो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, 3 to 4 कर दूंगा। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। ओके तो मैं इसके आगे इतना ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट मतलब टू द पॉइंट समझाऊंगा। अगर आप टू द पॉइंट में डाउट होगा तो आप पूछोगे, मैं ज़्यादा एलाबोरेट कर रहा हूँ और फिर आपको लास्ट को डाउट रहे। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो बेटे क्या दे रखा है, साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। बहुत स्पीड में हो जाएगा, 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और सबसे आसान है, सबसे आसान सेवन उधर रखा है, साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, याद रखा है साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा पहला काम है मैं इस साइन टू एक्स को तोड़ देता हूँ, इसको तोड़ के बोल देता हूँ दिस इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। किसी को इस यहाँ पर आपत्ति है? एनीबॉडी हैज एनी ऑब्जेक्शन? यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन नाउ, नाउ और नेवर नाउ। ओके डन। अब बेटे आप देख लो कि दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हो, है ना भाई, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हो। अगर ले गए तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी 2 sin x कॉस एक्स इंटू 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा समझ में आ रहा है? ओके यस सर। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, मतलब हो सकता उन दोनों में से कोई एक जीरो हो रहा होगा, मतलब या तो कॉस एक्स जीरो है और 2 sin x प्लस 1 जीरो है,
बेटे अगर आपका कॉस एक्स जीरो है, पहला वाला, अगर आपका कॉस एक्स जीरो है तो एक्स क्या होना चाहिए, सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल अगर सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो उसका कॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आ गया इसका कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का आ गया, ठीक है। फिर टू साइन एक्स प्लस वन अगर जीरो हुए तो टू साइन एक्स क्या होगा बेटे, माइनस वन, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, तो साइन एक्स कितना होगा, माइनस साइन 30 डिग्री, मतलब पाई बाई सिक्स। तो मंगलू जी की तरह करते हैं, शायद मंगलू जी की तरह आपको ज़्यादा आसान हो रहा है, वैसे ही करते हैं, ठीक है। एक एक प्रैक्टिस करो, जो भी करते हो एक ही प्रैक्टिस करो, एक से ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, एक ही में करो। साइन एक्स इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पर मैं इस जो माइनस साइन पाई बाई सिक्स लिखा है इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ओके। अब ये मेरा इस फॉर्म में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा फॉर्म में आ गया, पर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन अल्फा। तो यहाँ पर मेरा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन प्लस वन पाई बाई सिक्स। यस, दिस इंटू माइनस पाई बाई सिक्स, फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनली एन पाई प्लस, ये बेटे माइनस माइनस वन टू पे एन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस वन टू पे एन प्लस वन इंटू पाई बाई सिक्स। बेटे समझ में आया, हेलो। यस सर, बस बस यस सर। तो फाइनली इक्वेशन इज सॉल्व है ना। देखो बेटू मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये सारे एंगल्स के लिए, ये एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये सारे एंगल्स के लिए कॉस एक्स आपका जीरो होगा, है ना, कॉस एक्स जीरो होगा बेटे, समझ में आ रहा है ना, कॉस एक्स जीरो होगा ऑब्वियसली। और अगर कॉस एक्स जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, है ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो मतलब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं भाई, देख रहे हो ना, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, जो फाइनल जो आपका एंगल आया इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं भाई। यस सर। बस बस यहाँ पर भी देखो आपका जो एक्स का जितने सारे सोल्यूशन आए यहाँ पर, ये जो फाइनल, ये जो मंगलू जी के तरह हम जो किए जो सोल्यूशन आए, ये सब एक्स वैल्यू के लिए टू साइन एक्स प्लस वन जीरो होगा, टू साइन एक्स प्लस वन जीरो होगा। और अगर टू साइन एक्स प्लस वन जीरो हुआ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये जीरो होगा, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। सो दिज आर ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट, ओके। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, नाउ टेक द स्क्रीन शॉट, डन। यस सर। ओके आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं, 3 o'clock क्लास में करेंगे, ठीक है। आप जाओ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करो, ओके ओके। वन सेकेंड। यस, क्वेश्चन 5 भी कर दिए थे, बस बचा क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन 8 भी कर दिए हैं ऑलरेडी, तो बस क्वेश्चन 8 कर दिए, ओके। 3 o'clock का एजेंडा मैं बताता हूँ, 3 o'clock में मुझे याद दिलाना, प्लीज़ याद दिलाना। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और 3 फॉर्मूले बस इजी इजी फॉर्मूले हैं, उनमें से बस एक डिराइव करके बाकी दो उसी में ही आ जाएंगे, उसको करना है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। मैं उसको कराऊंगा 3 फॉर्मूला, और उसके बाद उसका 2-3 क्वेश्चन, तो और आज ट्रिगोनोमेट्री ओवर, ठीक है, आज ट्रिगोनोमेट्री का फाइनल डे। हाँ अरे समझ रहे हो ना मेरा बात, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ ट्रिगोनोमेट्री आज फाइनल, तो कल मैं ट्रिगोनोमेट्री का आपको रिवीजन रात को करा दूंगा, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे, हाफ एंगल वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका, थोड़ा ज़्यादा हाफ एंगल वगैरह थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है वो रिकोगनाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो वगैरह वगैरह, तो कल फिर से रिवाइज करेंगे। और आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, मतलब मुझे बहुत खुशी है आप में, मतलब इतना अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मतलब ये पहला बैच है शायद, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सब मिलके आप साइमल्टेनियसली सब कुछ सही तरह से समझ रहे हो, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब असाइनमेंट आप सबमिट करते हो तो असाइनमेंट में चेक करता हूँ पूरा टू द पॉइंट आपका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट आंसर,
कहीं पर गलती नहीं होता है, बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होता है, वो तो होगा, शुरू शुरू में मिस्टेक नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे, बिना मिस्टेक से नहीं नहीं सीखते हैं ना, हम भी सीखते थे मिस्टेक से, आप भी सीखेंगे, दुनिया के सब लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं। बट आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग अगर कोशिश करोगे तो आपका ये जो बैच है, आप जो अभी पाँच मतलब 10-12 बैठे हो, आप मैं गारंटी देता हूँ आप चाहोगे तो बहुत मतलब साइंस के लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हो, वेरी यू कैन एक्सेल एट दिस फील्ड, एक्सेल इन दिस फील्ड आई एम टेलिंग यू, बस यू जस्ट हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग योर सेल्फ, आज इतना अप्लाई कर रहे हो खुद को, जिंदगी भर ही अप्लाई करते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है, रुकना मना है ना, रुकना मना है, डरना मना है, गॉट माई पॉइंट? ओके ओके बाय बाय गाइस बाय, थैंक यू सर, वेलकम 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 Yes, sir. Welcome, welcome, welcome.